इस क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आना चाहिए कि ये साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म का है, लेकिन कम्प्लीटली ये नज़र नहीं आ रहा है। इस चीज़ को आप जब एडजस्ट करोगे तो न्यूमरेटर अलग साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म बनेगा और डिनोमिनेटर साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म अलग बनेगा। ऊपर से ये जो बगल में कंडीशन दी गई है कि ए और बी नॉन जीरो क्वांटिटीज़ हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, इस क्वेश्चन से क्या लेना देना है, ठीक है, इसकी बात हम लोग लास्ट में करेंगे जब हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दिया, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू a साइन ax अपॉन x एंड होल अपॉन साइन bx साइन bx अपॉन x। लेकिन हमें तो चाहिए था साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म, और यहाँ साइन थीटा थीटा की प्लेस पे ax है, तो इसका डिनोमिनेटर हमें कितना चाहिए, हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर चाहिए ax, लेकिन हमारे पास x है, तो यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट और करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों ने a से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे हमें न्यूमरेटर भी a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही काम नीचे कर लेंगे। हमें यहाँ पे bx चाहिए डिनोमिनेटर, साइन bx अपॉन bx चाहिए, लेकिन b हमारे पास नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई और b से, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब आपकी दोनों ही लिमिट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही लिमिट आपकी क्या हो चुकी है, फाइनाइट हो चुकी है। तो हम लोग पहले तो ये a बाई बी जो हमारा एक्स्ट्रा फैक्टर है, ठीक है, ये a और ये b, ये कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं, इसको हम लिमिट से बाहर कर देते हैं। तो a बाई बी और जो लिमिट है क्या हो जाएगी आपकी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे, या जो हम एलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ते हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नीचे जो लिमिट आ रही है वो नॉन ज़ीरो है, तो ऐसा कर सकते हैं। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू, सॉरी यहाँ ज़ीरो चल रहा था आपका, x अप्रोचिंग टू ज़ीरो, तो ये x अप्रोचिंग टू ज़ीरो साइन ax अपॉन ax एंड होल अपॉन लिमिट x अप्रोचिंग टू ज़ीरो साइन, साइन है bx अपॉन bx। तो न्यूमरेटर भी साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म में हो गया और डिनोमिनेटर भी साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म में हो गया, तो a बाई बी ऊपर 1 आ गया नीचे भी 1 आ गया, तो वी गेट a बाई बी, दैट इज़ अ माई फाइनल आंसर। और लास्ट में हमने कहा था कि ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो a और b नॉन जीरो है, अगर सोचिए अगर a b दोनों जीरो हो जाए, ठीक है, या b जीरो हो जाए, अगर b जीरो हो जाता है तो ये जो a बाई बी है ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और a और b अगर दोनों जीरो हो जाएँ तो ये इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा, इसीलिए कहा गया है, ठीक है। हालांकि न्यूमरेटर में जो हमने ax से डिवाइड किया है, तो न्यूमरेटर में जो आपने ax से डिवाइड किया है आप a से डिवाइड नहीं कर पाते, क्योंकि आप जब भी डिवाइड करते हो आप एक नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हो, तो a नॉन ज़ीरो होना ही चाहिए, और यहाँ भी आपने b से डिवाइड किया है तो यहाँ पे b भी नॉन ज़ीरो होना चाहिए। मतलब ये चीज़ जो a कॉमा b है, इस स्टेप को फर्दर जो आपने यहाँ से यहाँ पे एडजस्ट की हो, ये स्टेप और ये स्टेप, ये फर्दर आप प्रोसीड नहीं कर पाते अगर a और b नॉन ज़ीरो ना होता तो, अगर, ठीक है, तो दैट इज़ अ सिग्निफिकेंस ऑफ़